हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ अभिजा, दादा से करती हूँ। आप सभी अच्छे होंगे, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मैं आई हूँ ऑडिशन देने के लिए। झारराफ नेक्स्ट का ऑडिशन होने वाला है आज, जो कि बहुत पहले से मैं रजिस्ट्रेशन करा के रखी थी। और आज जो है डेट आ गया है और हम लोग सब आए हुए हैं यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए। और बहुत लोग हैं और एक दो लोग आने वाले मेरे फ्रेंड्स, वो लोग आएंगे फिर अंदर जाएंगे। इसी होटल में होने वाला अभी ऑडिशन। हेलो इने, तू अकेली है क्या? दो लोग और आने वाले थे ना। हम तो अकेले ही हैं। अरे हमको लगा वो लोग भी दो। दिख रहे ना आंटी हम फोन में? देख रही दीदी, अगला को पूछना पड़ा, आंटी को पूछ रही, दिख रही ना। ऐसे ठीक लग रहा, और मत रेडी हुई है ऐसे ठीक है। तो ये मेरी न्यू फ्रेंड, ये मेरी न्यू फ्रेंड, अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो गाइस, माय नेम इज अनन्या। हाँ, और ये मेरी न्यू फ्रेंड है। हेलो, तू आ रहा है मेरे को ढूंढने के लिए? आप सभी को वन एंड हाफ राउंड वॉक करना है जैसे आपने देखा, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर देना है, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा, मतलब वन बाय वन सबका कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में तीनों राउंड। तो आपको सबसे पहले वन एंड हाफ राउंड वॉक करना है, उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पे आके आपको माइक मिलेगा, आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है, और जैसे आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका आंसर करना है। दैट इज मतलब एक बार में फाइनल आप लोग का टचअप हो जाएगा, लेकिन मीडिया 2:30 बजे तक आने वाली है, तब तक आपको रुकना होगा, उसके बाद आप लोग वन बाय वन जा सकते हो। थैंक यू। हेलो, हेलो यार, तालियां बजती रहनी चाहिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ। कमॉन, करुण माकुले राय, इज अ फैशन डिजाइनर एंड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। जोरदार तालियां हो जाए सर। या थैंक यू वेरी मच सर। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर सुधा परंदी मैम। शी इज एन एंटरप्रेन्योर एंड लाइफ कोच, वर्क्ड एज केबिन क्रू केबिन डायरेक्टर, ग्रूमिंग मेंटर, स्टाइल एंड इमेज ब्रांड डेवलपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर इन एन इंटरनेशनल एयरलाइन ओमान एयर, which has based in Muscat for 14 years and has been to over 35 plus countries. Yeah, huge round of applause ladies and gentlemen, come on. Thank you very much ma'am, thank you very much. So, ready? Can we have some music please? Hey, hey, worldwide, William, hey.
So moving on to the next contestant, contestant number track number 102. Abhijal Kandulna, how are you? I'm good. That's great. So, as you gave your introduction that you belong to an Adivasi tribe and a community, so my question to you would be, if you become a famous model and you get a chance to represent your country, and after you become a famous model, what changes or what would you love to give to your society, to your community and to your tribe? मानूंगी कि मैं इतने बड़े मंच में मैं जाऊं और मैं चाहूंगी कि अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं अपने जितनी भी ट्राइब जितनी भी मेरी ट्राइबल जितनी भी लड़कियां हैं सभी को आगे लाने के लिए उनको एक प्रेरणा दूंगी उनको अपनी अपनी जितना भी अनुभव है जितने भी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस आया मेरे लाइफ में मैं उनको शेयर करूंगी और उनको आगे लाने का प्रयास करूंगी कि वो आगे आए और अपने देश को अपने झारखंड को अपने सोसाइटी को अपने जितने भी ट्राइब है उनको आगे आने में वो भी आगे आए। थैंक यू अभिजन। थैंक यू वेरी मच। ह्यूज राउंड एनी क्वेश्चंस? हेलो, गुड इवनिंग अर्जिता, मुझे आपका एक ट्रेडिशनल काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं भी बिलोंग करता हूँ ट्रेडिशनल को काफ़ी आयर। इसे आदिवासी देखे तो ओबीसी जो हमारे झारखंड पे एक फैसिलिटी दिया गया है आदिवासियों को, ठीक है, मैं भी वही आदिवासी से बिलोंग करता हूँ। जो मैं नेपाली हूँ पर मैं भी ओबीसी में आने वाले जनरेशन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी वो नेपाली के 11 सिटीजनशिप देने जा रहे हैं उनको ओबीसी दे जा रहे हैं और मैं भी काफ़ी हायर करता हूँ जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है क्योंकि आज के जनरेशन में जैसे हमारे जो पुरख लोग होते हैं वो लोग इतने अच्छे अच्छे ड्रेस लगाते हैं और इतने अच्छे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ खादी, खादी कितना पुराना जनरेशन से 1857 से 1947 से पहले के आज़ादी से पहले की बात है, तब भी हम देखते हैं कि अगर कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी ओकेजन हो तो हम खादी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे खादी का कुर्ता, ऑब्वियसली अब देखते हैं कि बड़े बड़े कंपनीज में खादी के डिज़ाइनर लहंगा डिज़ाइनर कुर्ते होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वो कहाँ से आता है? वो भी तो गांव से ही आता है। जैसे अभी आपने कहा वो काफ़ी माय बॉटम टू हार्ट हार्ट को काफ़ी टच किया कि आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं यहाँ पे। जितने भी लोग हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग झारखंड से तो झारखंड के ट्रेडिशनल को रिप्रेजेंट करो, यही एक फैशन है। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Can we have?
जोरदार तालियां बजा लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर पिया मैम। यार थोड़ा तालियां बजा दो यार, इतनी गंदी सी मत करो। थैंक यू वेरी मच पिया मैम। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज निधि मैम। शी इज द ओनर ऑफ मिस इंडिया ग्लैम टाइटल। प्लीज जोरदार तालियां बजा लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर निधि मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। आप आए स्टेज पे, थोड़ा रैंप वॉक करो जाए तो कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज फॉर निधि मैम। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। Are you done loving it? Come on, cheer up! Next, I would like to call upon Steve of Nagpuri Industry. Please, Zordan Talia, ladies and gentlemen, Angel Agra ma'am, till you. Angel ma'am, can we have a ramp walk? Super makeup artist. Thank you very much, Akash. So thank you very much. Next, I would like to call. Becoming Bollywood actor is such a great honor. And if I will be become a Bollywood actor, then I will also use my voice to influence the people, influence the youth. Because I know that I live in a society where this kind of profession, just like acting and modeling, is not considered as a good profession. Even I have seen that my lots of friends are still struggling, still fighting for achieving their dream. And if I will become a successful Bollywood actor, then I will use my voice to influence the youth. I will tell everyone that if someone is telling you that you have to be your limit, then just cross the limit. If someone is telling you that you are worthless, then show your success. If you are not getting success, then change the way your practice. So I will try to influence the youth, and along with that, I want to say this thing. If I will become Bollywood actor, then I love to make historical movies, because I think that I am so connected with historical films and our history. So thank you so much. 1-2 on stage. Tag number 1-1-2. 1-2. कॉन्टेक्ट नहीं किया। आप अगर साइड में देख रहा है तो इट मीन्स की इसको उतना नहीं दिखता और ये धूप में भी चल नहीं पाता अच्छे से, आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे टैलेंट को ना हम लोग को थोड़ा और प्रमोट करना चाहिए कि आगे जाके अपना हमारे झारखंड और बिहार हर जगह का नाम रोशन करें। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। क्वेश्चंस राइट। आर्यन, हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी सच अ टैलेंट। आई मीन यू डोंट नीड एनी वर्ड्स कि आपके टैलेंट को डिस्क्राइब किया जाए, बिकॉज एंड जो भी फॉल्स या जो भी फ्लॉज आप में बताया गया अभी, दोज आर एक्चुअली नॉट फ्लॉज, दोज आर योर स्ट्रेंथ। दैट्स गोइंग टू मेक यू अ वाइजर एंड अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम। सो नो क्वेश्चंस फॉर हिम। जोरदार तालियां बजा लेते हैं जेंटलमैन फॉर हिम।
चलेंगे आप और ईमेल का कमाल आवाज आती रहनी चाहिए कमाल सारे लोग सम्मानित हो गए तो अब वील कंटिन्यू विद दी ऑडिशन सो In 2022 years, I am preparing new QC exam. My hobby is traveling, photo shoots, and modeling and cooking. I love most cooking. What does success mean to you? Ma'am, success means to me, ma'am, according to me, success means that satisfaction you get by doing something. Or in a one word, I can say happiness. So are you happy today after walking on the ramp here? Yes, ma'am, this is my first time. So do you think you're successful? Successful cannot be happiness only. And everybody has a different definition to success. I'd like to call upon stage Rishabh sir. He's Mr. World Ambassador of India. Can we have Rishabh sir on stage? Zordar taaliyon se inka swagat kiya jaye, please, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir, for coming to our show. Thank you very much. Zordar taaliyon ho jaye, ladies and gentlemen, for. Rishabh, he is Mr. World Ambassador of India. Rishabh sir, फिर से आप आए हो रैंप वॉक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा सो जेंटलमैन चेयर अप फॉर हिम कम ऑन झारखंड का फर्स्ट लड़का हूँ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री बनाया है फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल जिन जो सोराही आर्ट था और इंडिया सेकंड रहा फर्स्ट रनर रहा एंड नंदलेस मैं अभी इंडिया को दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन कोस्टा ब्लांका स्पेन में फॉर वर्ल्ड बेस्ट मॉडल ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन कम ऑन पिया मैम प्लीज कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज एंड आल्सो अलोंग विद आवर चीफ गेस्ट ऐसा नहीं है लोग कर रहे हैं आप अपना 100% दीजिए और लोग भी कर रहे हैं आप सर्च करो उनको बहुत सारे लोग यहाँ से निकल के आगे तक गए
एक है तो एक दो जन तो यहाँ उपस्थित सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार जोहार। मैं सोनू टोपो नामकुम रांची से बिलोंग करता हूँ। मैं ट्राइबल परिवार से हूँ। ट्राइबल डांस में ज़्यादा रुचि रखता हूँ क्योंकि हम ट्राइबल हैं, इसलिए हम ट्राइबल डांस में इसलिए रुचि रखते हैं क्योंकि ये हमारा कल्चर है और हमारे कल्चर को आगे लेके चलना है। हम घर से छुप छुप के भाग भाग के जाते हैं डांस करने के लिए क्योंकि मेरी माँ बहुत हमको डांटती है, वो डांटती है लेकिन हमें छुप छुप के जाते हैं। सुनो आपके पैशन को सलाम और आपके जज्बे को सलाम दैट आप घर से छुप के भी आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो आप अभी कोई एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं पे आप मॉडलिंग सीख रहे हैं या फिर सिर्फ यूट्यूब देख के या किसी और को आइडियलाइज करके आप मॉडलिंग शुरू किए हैं? नो मैम, मैं फर्स्ट बार यहाँ आया हूँ, ना किसी से सजेशन लिया ना कुछ नहीं, घर में भी किसी को मैं कुछ नहीं बताया, मैं अचानक आया हूँ और ऐसे ही आज आ गया हूँ, कभी ट्राई नहीं किया। तो आगे आपको सीखना है? हाँ, मैं रुचि रखता हूँ, इंटरेस्ट भी हूँ, मैं वो सब करूँ कुछ नाम पे जो एरिया है देश का जो भी है इंटरनेशनल नेशनल लेवल का आगे तक। थैंक यू Abhilasha, I love your dress. Who designed it for you? Myself, ma'am. Yourself? So you are a fashion designer? No, ma'am. Just I love to carry beautiful outfits, so I have done this for okay. myself. Nice. So aapne kaun sa fabric use kiya hai apne lehenga ke liye? To aap jab kuch bhi naya karti hai to mera suggestion rahega ki uska thoda research bhi kijiye. Right? So that aap jo seekh rahi hai apni seekh se aap dusron ko bhi sikha sake. Right? All right, coming to the modeling field, आप dresses भी बहुत अच्छा design करती हैं, आपने ramp walk भी अच्छा किया, तो अगर आपको choice दिया जाता है कि आप fashion designer बन जाएं या फिर एक famous model बन जाएं, तो आप कौन सा choice? I choose being a famous model. You choose to be a model, why so? क्योंकि मुझे अच्छे dresses carry करना अच्छा लगता है और साथ ही ये जो मैंने ड्रेस अभी कैरी किया हुआ है इस ड्रेस को लेकर के बहुत सारे लोगों के दो वाइब्स होते हैं लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो आई वांट कि वो जो नेगेटिव वाइब्स है वो थोड़ी कम हो जाए। ये करना आई मीन मॉडलिंग करना इज़ नॉट बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ चॉइस ऑफ एवरीवन, जो भी करना चाहते वो लोग कर सकते हैं। सो नेगेटिव वाइब्स कम हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए? खत्म
मैं चाहूंगी कि खत्म हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी फिलहाल तक कम ही हो. थैंक यू. इसी को डालेंगे दे दादा देखेगा दादा. जो भी ऑडिशन था वो खत्म हो गया, बट प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है. हम लोग जा रहे खाना खाने के लिए, तो सुबह से कुछ खाए नहीं. थोड़ा खाना वाना भी ज़रूरी है कि तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर घर कैसे लौटेंगे. और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कैसे दिखेंगे क्या तबीयत ख़राब होगा तो. पैर भी दर्द हो रहा है हील्स पहन के. और हम लोग ऐसे मेकअप के साथ रोड में निकले हैं, सब लोग देख रहे हैं, हम लोग जोकर जैसा लग रहे हैं. और मेरे को गोलगप्पा खाना है, सबको लेके जा रहे हैं गोलगप्पा खाने के लिए, क्योंकि सर दर्द हो रहा है माइग्रेन की वजह से. खट्टा खाएंगे थोड़ा ठीक लगेगा शायद. अब पेट खाली है. हाँ तो बता खिलाएंगे. चल रेडी हो जा फिर, कट कर देंगे मुझे. अरे नहीं रुकिए, हम लोग को भी बोले साथ में. कैमरा कोई इसमें सेटिंग नहीं है, पैसा लगा है क्या मोबाइल में, इसलिए अच्छा दिख रहा है. समझी अच्छा नहीं है. हम लोग पता जेडी गया था, हॉस्पिटल हो गया था, फिर हम पता गाड़ी घुमा के यहाँ ले गया, पता उसको मुंह बन गया. कैसे करते हैं आप, अच्छा काम नहीं करते आप? हम अच्छा ही काम करते हैं कि वीडियो लेते हैं. ये मिस्टर विनय हेम्ब्रम उर्फ हैरी हेम्ब्रम गुपचुप खाते हुए, और ये मिस अभिजल हमारी ब्लॉगर. और मैं हम भी यही ढूंढ रहे थे, और आप भी हम देखे ना तो आपका वीडियो भी लिए ना. हम लोग कितने हैं तो डालते हैं वीडियो सब, मतलब हम यही दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम लोग जब कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, है ना. हम लोग को भी तो इतना लोग दबा के रखते हैं, लेकिन हम लोग उस सब चीज़ को पीछे छोड़ के हम लोग आगे आते हैं. तो बस इसलिए हम भी लगे हुए. हम तो भी सोचे थे वहाँ पे मिलेंगे आपसे. आप भी थे उस समय क्या जब मेरा हुआ था? अपने लोग हैं ना, अपने लोग हैं. अपने लोग होने से ही लोगों का अच्छा लगता है कि हाँ चलो आए हैं बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है. हाँ कोई नहीं पूछता, अपने को कोई नहीं पूछता, लेकिन खुद में पहचान बनाना है. मतलब ऐसा कहते हैं किसी को भी घर में किसी किसी को नहीं पता, हम लोकल हैं इसलिए हमको पता है कहाँ है आदमी. ऑडिशन दे दिया है और ये शो अभी ख़त्म हो चुका है. तो हम लोग सब कोई घर जाने वाले हैं, और आज मैं ये अभिजल दीदी से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम मिले. हाँ बहुत दिन से हम लोग वेट कर पाया. सो अनलकी इसके लिए. सबसे पहला नंबर में मेरा था. हम लोग मैं सोची कि बहुत पीछे होगा, क्योंकि नंबर था मेरा 102, लेकिन पता चला कि 101 से स्टार्ट है. बट सब अच्छा था. और जैसे आप लोग देखे हैं कई तरह के, हाँ यहाँ पे कई तरह के लोग आए थे. हम लोग ऑडिशन सब लोग किए. ओके तो हम लोग चलते हैं. हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं. और हम लोग क्या बोले, मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमें देख के सीखिए, क्योंकि हमें तो कोई बढ़ाने वाला है नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आप लोग हमें देख के आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग जैसे लोगों को, आदिवासी लोगों को कोई आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है. तो हम लोग खुद से जो कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. आप लोग को भी हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग सीखिए कीजिए. और ये भी है. हाँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. प्यार बनाए रखिएगा और मेरे में भी प्यार बनाए रखिए. और अगले वीडियो में मिलते हैं. टाटा बाय बाय.